गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया से भारत को आज के दिन का पहला गोल्ड मेडल दिलाया है रेसलिंग में। जी हां, राहुल अवारे ने रेसलिंग में भारत को आज का पहला गोल्ड मेडल दिला दिया है। इससे पहले बबीता कुमारी ने इसी रेसलिंग में 53 किलो वर्ग भार में कनाडा की डायना विगर से हारकर 53 किलोग्राम के भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता था, लेकिन भारत के राहुल अवारे ने कनाडा के स्टीवन ताकाहाशी को 57 किलोग्राम भार वर्ग में हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया है। पहला राउंड बहुत कांटे का रहा, दोनों खिलाड़ी बराबरी पर गए। 4-4 की बराबरी के बाद जब वापसी हुई तो एक भी मौका राहुल ने सामने वाले को नहीं दिया। हालांकि उन्होंने दूसरे राउंड में 9 और पॉइंट जोड़े, जबकि ताकाहाशी ने मात्र 2 पॉइंट जोड़े और इस मुकाबले में वो एक तरफा हार गए। राहुल अवारे ने इससे पहले अपने सारे के सारे मैच पॉइंट डिफरेंस यानी कि 10 से ज्यादा पॉइंट अंकों के अंतर होने पर जीते थे और फाइनल मुकाबले में भी लगभग उन्होंने 9 अंकों का फासला बनाए रखा और भारत की झोली में रेसलिंग से पहला गोल्ड मेडल उन्होंने दे दिया। आज दिन की शुरुआत भारत की अच्छी रही, बबीता कुमारी ने सिल्वर मेडल जीता तो राहुल ने गोल्ड मेडल जीता और अब भारत की मेडल संख्या वो भी बढ़कर गोल्ड की 13 हो गई है। तो भारत को मिला एक और गोल्ड, राहुल अवारे ने जीता कॉमनवेल्थ में अपना पहला गोल्ड मेडल।